सुकेश, सशक्तिकरण बातचीत में नहीं होता। दो चीजें मैं भी समझना चाहती हूँ। राज्यसभा को हटा दिया जाना, विधान परिषद को हटा दिया जाना, क्योंकि पहले बिल में ये दोनों चीजें शामिल थी। एक तो इसका मकसद क्या आप मुझे बता सकते हैं, और दूसरा पॉलिटिकल गिमिक आप कह ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ऐसे में क्या 2024 में संभावना जो कि नहीं दिखती फिर भी क्या दिखती? नहीं, 2024 में इस आरक्षण का लाभ महिलाओं को नहीं मिलेगा, ये तो स्पष्ट है। और मैंने पॉलिटिकल गिमिक नहीं कहा, मैंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया जिससे इंडिया ब्लॉक को डिजार्म किया जा सके। अभी केसी त्यागी जी बता रहे थे कि उन्होंने पंचायती राज में नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया, 2007 में हुआ था ये। सरकारी नौकरियों में 35% 2016 में हुआ था ये। एक मुझे बताना भूल गए वो 2013 में, मैं बता देता हूँ चूंकि मैं बिहार से आता हूँ मुझे मालूम है, 2013 में बिहार पुलिस में भी 35% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया। वो दरअसल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की थी नीतीश कुमार ने कि महिलाएं उनको वोट करती हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं थी लड़कियों की के लिए, साइकिल से शुरू हुई थी वो, तो लड़कियों का महिलाओं का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार का सपोर्टर हो गया था। बाद में राष्ट्रीय पटल पे प्रादुर्भाव हुआ नरेंद्र मोदी का, महिलाओं में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। 2023 में जब ये बिल आ रहा है तो वो इस इंडिया ब्लॉक को, मैंने कहा, डिजार्म करना चाहते हैं। हो पाएगा कि मैंने ये काम मैंने किया, और मैं कल उस तरफ बैठ के कह रहा था कि नरेंद्र मोदी का ये शगल है, ही वॉन्ट्स टू बी द फर्स्ट। वो पहले व्यक्ति है। लेकिन आप कह रहे हैं कि डिसार्म करने का मोटिव है, लेकिन राज्यसभा छोड़ दिया, विधान परिषद छोड़ दिया, तो ये तो आधा आधा रिप्रेजेंटेशन हो गया। कुछ चीजें मैंने कहा, पॉलिटिक्स में कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं। जब ये आरक्षण की चर्चा हो रही थी, मुझे अच्छे से याद है, बीजेपी की एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी, और आरक्षण के मुद्दे पे जब इस पे कॉन्सेंसस नहीं बना था तो बीजेपी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में 33% रिजर्वेशन की घोषणा की थी, और शायद सुषमा स्वराज जी ने उसको रखा था कि हमारे संगठन में 33% महिलाएं होंगी। ये दरअसल मैसेज देने के लिए था कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनका सशक्तिकरण करते हैं हर स्टेट में, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक कह रहे थे केसी त्यागी कि हर स्टेट ने अपने अपने लेवल पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ ना कुछ किया है, लेकिन उनका पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन हो 33% हो, मुझे बड़ा सीरियस डाउट है कि इसमें कोई भी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती है। अभी भी जूही सिंह जी ने यह नहीं कहा कि वो सपोर्ट करेंगी, उनकी पार्टी सपोर्ट करेगी इस बिल का। मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई फाइनल कोई राय उनके उनकी बनी है कि नहीं। इंडिया के ब्लॉक में वो आती है तो वो इंडिया के साथ जाएंगी नहीं जाएंगी, जेडीयू ने कह दिया वो साथ जाएंगी, कांग्रेस भी कह दिया। देखिए, ये बिल तो पास हो जाएगा तो, लेकिन दरअसल सुकेश जी, INDIA तो तय ही नहीं कर पाएगा। नहीं, चलिए, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि थोड़ा उसको ग्लोबल लेवल पे देखें। हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, और हम पांचवी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं। महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी है इन सब चीजों में। जो UN की रिपोर्ट है वो कहती है कि इस गति से अगर हम चले तो महिलाओं को के सशक्तिकरण में करीब 140 साल लगने और लग जाएंगे। हाँ। तो दो चार पीढ़ी तो निकल जाएगी गरिमा जी, आपके बच्चे भी नहीं देख पाएंगे उसको। 107 कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऐसी हैं जहां महिलाओं को रिजर्वेशन है। 107 कंट्रीज, रवांडा जैसा बहुत छोटा सा देश है। नहीं, वो तो उनको हाँ। वो तो बड़ा मैसिवली रिप्रेजेंटेटेड है। 61% का ऐसे में मैं जो बार बार कह रहा हूं कि ये एक मी फर्स्ट, नया संसद, पहला बिल कौन लेके आया? नरेंद्र मोदी लेके आए। तो ये जो है क्रेडिट लेने की बात है, एक बड़ा ऐतिहासिक कदम ये है, और ये हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि पहला बिल जो इस नए संसद में आया वो महिला आरक्षण को लेकर आया, और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ये करके। और इतना ही नहीं है, मैं कुछ और जानकारी भी दे दूं। जब ये बिल आएगा कल, आप देखेंगी महिलाओं का प्रेस गैलरी के बगल में जो दूसरी गैलरी है वहां महिलाएं होंगी, बाहर महिलाएं होंगी, आप प्रधानमंत्री हो सकता है एड्रेस करें, तो ये इसका पॉलिटिकल डिविडेंड लेने की भी पूरी कोशिश होगी, उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अनिला जी,
कहां तो चरागा तय था हर घर के लिए और कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो ऐसे में बस अंतिम सवाल मुझे ये बता दीजिए कि वो जो महिलाएं आपकी तरफ देखती हैं, भागीदारी बढ़ी महिलाओं की, वोट प्रतिशत आपका महिलाओं का बढ़ गया, कहां तो 50% होना चाहिए था 48% आबादी के हवाले से, ये 33 ही रहा, इसमें से भी राज्यसभा चला गया, विधान परिषद चला गया, ओबीसी चला गया, तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन और ये भी कब तक होगा नहीं पता। बस इस पर कंक्लूडिंग रिमार्क में चाहती हूँ, महिलाएं सुन रही हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी जो हैं उनकी मंशा पे शंका बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक अच्छी सोच के साथ वो ये पहल कर रहे हैं और जैसे जितने भी प्रश्न हैं जो विपक्षी दलों के, वो कल जब इस पर चर्चा होगी तो अपने प्रश्न रखिए ना कि राज्यसभा में क्यों नहीं आ रहा है, विधान परिषद में क्यों नहीं आ रहा है, डिलिमिटेशन के बाद क्यों आ रहा है, जाए से बिल्कुल पूछना चाहिए। पर यहां पर इन लोगों से यह भी पूछना चाहिए कि क्या 2010 और अब की स्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ क्या? अभी भी वही सब बातें, वही सब अड़चने, क्या ये भारतवर्ष आगे नहीं बढ़ा क्या? ये राजनीतिक दलों की सोच कुछ आगे बढ़ी नहीं क्या? तो मैं तो सीधे से कहती हूँ कोई खराबी नहीं, आप लोग पूछिए, चर्चा करिए। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई अनिल जी अभी तक भी कि राज्यसभा और विधान परिषद क्यों हटा दिए गए, ये नहीं बस मैं समझ पाई। अलका जी,